परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान महान शासन प्रभाव जय घोष सूरी महाराज। हालांकि कई बार मिलने का परिचय करने का अवसर मिला, परंतु बहुत अधिक परिचय से मैं वंचित रहा। पर जब जब मिला तब तब उनके आंतर जीवन का भी थोड़ी बहुत जानकारी और झांकी मुझे मिली। गांभीर्यता, सरलता जो साधु जीवन के आभूषण उनके अंदर नजर आए, ऐसे तो वो बहुत कम बोलते थे, उनका आचार बोलता था। निःशब्द की भूमिका पर उनकी साधना थी। शब्द के माध्यम से किसी का परिचय देना तो बड़ा सरल होता है, पर शब्द की गैर हाजिरी में उनके अंतर जीवन का परिचय देना वो जरा कठिन होता है। पूरे दिन उनका स्वाध्याय में व्यतीत होता, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में मग्न रहते थे। बहुत अल्प परिचय था लोगों का, बाहर की प्रवृत्तियों से बहुत निवृत्त थे, और फिर भी आंतरिक जीवन के अंदर बहुत समृद्ध थे। बेंगलोर के अंदर कुछ समय तक, एक दो चार दिन तक हम साथ रहे। उस समय उनके गुरुदेव पूज्य गच्छाधिपति भुवन भानुसूरी महाराज भी वहीं थे, हम साथ में रहे। और वहां बड़े निकट से मैंने देखा उनकी जो गुरु भक्ति थी, गुरु के प्रति जो बहुमान था, वो मुझे देखने को मिला। मैंने अपने साधुओं से भी कहा कि देखो कैसी गुरु भक्ति। भोजन के समय गुरु महाराज को आहार दे करके उसके बाद स्वयं आहार करते, उनके हर शब्द का बहुमान उनके अंदर में था। उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे गुरु भगवान को खेद हो, अशांति हो। उनके अनुकूल जीवन और व्यवहार बनाने का बने प्रयत्न किया। उसके बाद मुझे बम्बई में मिलने का मौका मिला। ग्वालिया टैंक जब चतुर्मास था उनका, और वहाँ पर भी उनके प्रवचन के अंदर मुझे जाने का मौका मिला। प्रवचन के अंदर छाछ कम था, मक्खन ज्यादा था। जीवन पर्यंत आगम का संशोधन किया। जीवन पर्यंत स्वाध्याय के द्वारा दो तत्व का अपूर्व चिंतन किया, वो चिंतन उनके अंदर से निकला। लोग भी वहाँ के जरा ऐसे थे तात्विक रुचि वाले, तो वहाँ मुझे प्रवचन सुनने को मिला। आगम का, जिन शासन के ग्रंथों का कितना चिंतन और मंथन किया वो मुझे जानने को मिला। अहो वाहो पैदा होता है, ऐसे साधु हैं कहाँ। और भी कई ऐसे प्रसंग आए। अहमदाबाद के अंदर एक सामान्य श्रवण सम्मेलन था, वहाँ पर भी उनको मिलने का मौका मिला। बड़ी सरलता, बड़ी सद्भावना और शासन एकता के लिए उनका संपूर्ण प्रयत्न रहा। मुझे कई बार उन्होंने ये बात कही, ये विघटन जो है शासन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा, किस प्रकार से शासन की एकता संभव, उसका प्रयास उन्होंने तो अपने तरीके से किया। इससे भी बढ़ करके आपके नज़र में आएगा, इतना विशाल जन शासन के अंदर श्रवण संघ की जो अभिवृद्धि हुई, ये भी उनकी पुण्य का एक प्रभाव है। इतने बड़े समुदाय का संचालन करना, व्यवस्थित करना, ज्ञान ध्यान संयम के अंदर उन्हें उस प्रवृत्ति में आगे बढ़ाना, ये उनकी व्यावहारिक कुशलता का परिचय देता है। तो कहने का मतलब, वो तो चलते फिरते लाइब्रेरी जैसे थे। जब कभी कोई पूछो, उनकी उपस्थिति, ज्ञान का क्षेत्र इतना तीव्र था कि जब कोई प्रश्न आता तो समाधान में विलंब नहीं कर। कई बार कई तरह की शासन के अंदर समस्याएं पैदा होती, परंतु उनका कई बार मेरे पर समाचार आता। और एक बार तो ऐसा समाचार आया कि मैं विचार में पड़ गया
और वो इतने बड़े गच्छाधिपति, इतने बड़े समुदाय के मालिक, एक दो ऐसे प्रश्न थे और उसका निवेदन था, तैयार किया उन्होंने उस आदमी को, कहा पहले वहाँ कोबा जाकर उनका सही लेकर के आओ, उसके बाद मैं सही करूँगा। माने इतनी लघुता, जरा भी गर्व नहीं, शब्दों में दुर्गंध नहीं, उनके शब्दों में भी सुगंध आता था, वो संयम का सुवास था। तो वो तो महापुरुष चले गए, बहुत बड़ी प्रेरणा दे करके गए अपने जीवन के अंदर में। जो कुछ उन्होंने पाया, बहुत कुछ आपको दिया है। तो ऐसे महापुरुष के गुणानुवाद के समय उनकी स्मृति मैंने देख करके भी बड़ा आनंद हुआ। आपकी गुरु भक्ति भी बहुत अनुमोदनीय है। जिन जिन व्यक्तियों ने इस कार्य में सहयोग दिया और शासन की महान प्रभावना की, उनके इस मंगल प्रसंग पर उन सभी आत्माओं को मैं अपने हृदय से खूब धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ, जिन शासन की परंपरा चलती रहे और उनके आदर्श को ले करके कुछ अपने जीवन में भी हम ग्रहण करें। देखिए, शब्दों से तो आनंद देना एक अलग चीज़ है, मन कार्य से आनंद देना एक अलग बात है। उनके जीवन के अंदर जो विशेष विशेषता थी, जो विशिष्ट गुण थे, उन्हें ग्रहण करने का हम प्रयास करें, संकल्प करें कि शासन की एकता के लिए हम सब कुछ करें। आज तो शासन के अंदर में कई ऐसी समस्याएं, तीर्थों का विषय और भी अन्य तरह से कई तरह के सामान्य विषय भी हैं, उसके निराकरण के लिए धन से, मन से, धन से, हर तरह से अपना सहयोग दे करके उनकी भावनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें। बहुत समस्याएं हैं, समस्याओं में से समाधान खोजने का प्रयास करें। कैसी तीर्थ रक्षा हो, शासन की रक्षा के लिए क्या करना, क्या उपाय किया जाए, और उसके आगे भी इतने विशाल श्रवण श्रवणी साधु भगवंतों की सेवा व्यावच और उनके जीवन के समय संयम की आराधना करने वाले उन आत्माओं के लिए, उनके भविष्य के लिए भी कुछ विचार थे। ये सारे विचार हैं, उन्होंने बहुत कुछ रखा। मेरे से भी कई बार उन्होंने कहा क्या करूँ, कई बार उनके हृदय के अंदर ये भाव पैदा होता, वर्तमान स्थिति को देख करके उनका दर्द उनके शब्दों से बाहर आता। उस उनके दर्द को दूर करने का प्रयास करें कि उनकी जो भावना थी सफल बने, उनकी भावना को पूर्ण करने में हमारा पूर्ण सहयोग रहे। तो मैं यही चाहता हूँ। फिर भी कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु आज थोड़ा ऐसा ही प्रसंग था, बहुत दूर से आना पड़ा। मेरे मन में था कि अवश्य ही मैं पहुँचूँ और काफ़ी कार्य में व्यस्त भी रहा, फिर भी महापुरुष के प्रति मेरी पूर्ण सद्भावना के साथ उस महान पुरुष को अपने अंतर हृदय से धन्यवाद देता हूँ, भाव श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ कि उनके अधूरे कार्य को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान की, ये मेरी मंगल भावना है।